राहत भरी ये तस्वीरें छतरपुर जिले की हैं, जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कुछ भयानक अनुभव झेल चुके जिले के लोगों को इन राहत भरी तस्वीरों को देखने का मौका मिल रहा है। 6 साल की मोहिनी और उसके 10 साल के भाई कौशल ने 10 दिनों तक कोरोना से लड़कर इसे हरा दिया। छतरपुर जिले के राजनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंगरों के मोहिनी और कौशल अपनी मां के साथ 10 दिन पहले खजुराहो के कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित होने के बाद भर्ती कराए गए थे। परिवार पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हो चुका है, इसलिए उन्हें कोविड सेंटर से विदा किया गया। कोविड सेंटर से जब उन्हें विदा किया जा रहा था तो इनकी देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मियों ने भी इन बच्चों के साथ अपनी सेल्फी ली। चिकित्सक डॉक्टर कविता सिंह बुंदेला ने बच्चों के साथ सेल्फी लेते हुए इन पलों को आत्मीय बना लिया। इस मौके पर बच्चों ने घर जाते हुए खुद की केयर और कोविड सेंटर में हुई देखभाल पर संतोष जाहिर किया। निवासी है, हम ग्राम सिंगरो के रहने वाले हैं और हमको कोरोना हो गया था और हम यहीं पे खेलने की जगह है और हम अच्छे से रहते थे। अब हम स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। खाना मिलता था अच्छे से? हाँ, कोरोना हो गया था तो हम यहाँ पे आ गए। आप कितने साल के हैं अभी? 6 साल। आपको यहाँ खेलने को मिलता था? हाँ, मिलता था। क्या खेलती थी? फुटबॉल। यहाँ की डॉक्टर मैडम कैसी थी? अच्छी थी। अच्छी है। नर्सों ने कैसा ख्याल रखा आपका? अच्छा रखा। छतरपुर जिले में अनलॉक के साथ ही राहत का सिलसिला जारी है। बुधवार को छतरपुर जिले में 800 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांचें हुई और सिर्फ 3 संक्रमित मरीज पाए गए। 3 नए संक्रमित मरीजों में से एक ईशानगर और एक नौगांव के निवासी हैं, जो कि बगैर मास्क के बाइक पर घूम रहे थे और रोको टोको अभियान के तहत जब छतरपुर जिले में इनकी जांचें हुई तो ये पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा एक व्यक्ति बड़ा मलहरा में भी पॉजिटिव मिला है। इस तरह छतरपुर जिले में अब कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। बुधवार को 6 लोगों की छुट्टी हुई और अब जिले में कोरोना के कुल 12 एक्टिव केस बचे हैं।